कुरान के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, लोग बोलेंगे हाँ ये कुरान के अगेंस्ट आ गई, नहीं मैं कुरान के अगेंस्ट नहीं हूँ। एमबीए कर चुकी जन्नत बेगम को पिछले साल पति ने व्हाट्सएप और फोन पर 3 तलाक दे दिया। जन्नत बेगम इम्तियाज गुलाम पटेल की दूसरी बीवी है, पर जन्नत का आरोप है कि पिछले साल एक तीसरी महिला से अफेयर के चलते उन्हें इम्तियाज ने 3 तलाक दिया। जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी उस वक्त उन्होंने मुझे 3 तलाक बोला था, वो भी फोन पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया हुआ था। तो मैंने ये एलिगेशन डाला हुआ था ACP DCP पे, तभी ये पैटी अध्यादेश आया था, तो ये लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो अभी लोकसभा से जो बिल पास हो गया है, तो मुझे पता चला कि बिल पास हुआ है, तो औरतें शरीयत करके खेरवाड़ी में एक NGO है, वहाँ से मुझे कॉल आया कि ऐसा हो गया। तो कल के शाम में हम लोग ये थाना में ACP DCP है वो उनके पास गए थे, तो उन्होंने मुझे तुरंत ही मुमरा पुलिस स्टेशन में भेजा और इधर मेरा FIR दर्ज हुआ है। जन्नत का पति पहले अबू धाबी में काम करता था और पिछले साल से मुंबई आ गया है। जन्नत को उसने तलाक दिया तब वो प्रेग्नेंट थी, पर पति ने कभी उन्हें मुड़कर तक नहीं देखा। मैं कुरान के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कुरान भी तरीका बताती है तलाक देने का, तो वो तरीका फॉलो करो। और रही बात 3 तलाक का, एक साथ तलाक दे के तुम कोई भी औरत को बीच के रास्ते पे छोड़ नहीं सकते। जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे माँ बाप सपोर्ट किए मुझे, अगर कोई और होती जिनके माँ बाप नहीं होते वो औरत कहाँ जाती। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो औरतें परेशान हैं, जेन्यून रीज़न है तुम्हारे पास कि तुम उसके फाइट कर सकते हो, तो फाइट करो, क्योंकि ये हमारा राइट है। कुरान के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ। महाराष्ट्र में जन्नत बेगम का पहला मामला है जिसमें मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदे के तहत मामला दर्ज हुआ है। 3 लोगों के खिलाफ, उसके हस्बैंड, सास और उसकी ननन जो है, उसके खिलाफ में 458, 406, 34 और जो नया कायदा है मुस्लिम विवाह संरक्षण कायदा कलम 4 के मुताबिक हमने कल गुना दाखिल किया हुआ है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, मतलब तीसरी, 2 बीवी होने के बाद तीसरा अफेयर भी था उसका। तो वो बार बार मुझसे पैसे की और दागिने की डिमांड करता था और लास्ट उसने फाइनली हद पार कर दिया कि उसने मुझे, मतलब ऐसी बातचीत में उसने मुझे गाली गलौज देने लगा फ़ोन पे। तो उसने मुझे गाली दिया, डैडी ने उनको गाली, दोनों ये हुई, तो उसमें मुझे उसने 3 बार तलाक बोल दिया और पैसे ना देने वजह से और ये सब FIR, ये सब जो चीज़ें, ये सब चीज़ों के उसने गुस्सा सीधा मेरे ऊपर उतार दिया 3 बार तलाक बोल के। जन्नत बेगम को 6 महीने पहले प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ। उनका आरोप है कि पति ने आज तक बच्चे की सूद नहीं ली। जन्नत के मुताबिक इस कानून की उनके जैसी महिलाओं को बहुत जरूरत थी। होप है कि इंसाफ मिलेगा, जब गवर्नमेंट ने कुछ रूल पास किया तो शायद बेनिफिशियली होगा, इसीलिए वो लोग ने रूल पास किया है। और मेरे जैसे जितनी भी वुमेन्स है जो मतलब इससे जा रही है, गो थ्रू कर रही है, ये प्रॉब्लम स्ट्रगल कर रही है, घर से बाहर नहीं आ रही, शायद उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर ही मिलेगा। थाने से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।